ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ COVID-19 ମହାମାରୀ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ନଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶ ଭାରତ ଏହାକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। संभव होइछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतर्क शांत और समर्पित सेवा पदक्षेप कारण तेणु महामारी परिचालन दूरदृष्टि काम कर आज एकस्तरीतम जन्मदिन पालन करुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश जनाउछि शुभेच्छा। मार्च 22 तारीख 2020 कोरोना महामारी विरुद्ध जनता कर्फ्यूर आह्वान जनइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सका 7 राति 9 जाए घर न बाहर को देशवासी अनुरोध कले। प्रधानमंत्री ए अनुरोध को देश पाला सका 7 राति 9 जाए अटकी गला भारत से दिन संध्या 5 समग्र देशर जनता निज निज घर सामने बाल्कोनी टेरेस छात उपर समबेत हो 5 मिनिट जाए घंटा घंटा ताली थाली और ड्रम बजाई कोरोना लड़े प्रति पक्षभुक्तता प्रदर्शित करते एभली भाव में महामारी समय लोकों सहभागी अंशग्रहण को तेजी थे मोदी महामारी श्रृंखल को भांगी प्रधानमंत्री ए आह्वान को प्रशंसा कला विश्व स्वास्थ्य संगठन विपद को संपदर परिणत कराइबार आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भाषण और वक्तव्य दोहराउन बरंग निजे यार रूपायन लगि पड़ते कोरोना टीकार तुरंत उत्पादन पर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3000 कोटी टंकार अग्रिम जगह से टीका उत्पादन में भारत को रप्तानिकारी राष्ट्र भाव में नुआ परिचय आनीदे विश्व भारत सुनाम बढ़ाई अतीतने विदेश भारत को आसुला टीका यही भारत को वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करने को पड़ा आमदानीकारी राष्ट्र निज देशर लोक टीका देवापर भारत को पठाउले फल रप्तानिकारी देश में टीकाकरण सर बेलू आम देश में आरंभ हो पार्ला एप्रिल 2020 कहीं के भापारे महामारी संकट एत भयंकर रूप नेब कि से प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन टास्क फोर्स गठन कर टीका निर्माता अग्रिम देवा टीका विकसित दिगरे बाधा हटाइबा व अग्रगति तदारक करने कारण देशवासी निकट में खूब कम समय भितर 2-2 टीका उपलब्ध हो पारा। जनवरी 2021 भारत आरंभ कला विश्व सबुठ बड़ टीकाकरण से दिन ठू अद्यावधि 70 कोटी अधिक डोज दि सारी 2021 भारत G7 देश समूह ठू अधिक टीका प्रदान में सक्षम हो वैज्ञानिकों ज्ञान नरेंद्र मोदी नेतृत्व और टीका उत्पादकों उद्यमर श्रेय महामारी समय भी भारत पाई महामारी पूर्व देश में पीपी किट प्रस्तुत नगण्य थिला मोदी आह्वान में व्यापक किट उत्पादन आरंभ होला और भारत अति शीघ्र पीपी किट्र एक रप्तानिकारी राष्ट्र पलटिगला से भली तरल मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन 10 गुणा जाए वृद्धि प्रधानमंत्री मोदी परामर्श देवापर 2021 गोटे मसर उत्पादन 2020 वर्षर समुदाय उत्पादन ठार बढ़ेगला समग्र देश में आज 1200 अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापना करा जाई पारछि। कोरोना काल में लॉकडाउन और शटडाउन घोषणा कारण प्रवासी श्रमिक गांव को फेरिले गुरुतर प्रभावित है जीवन व जीविका एभली समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थिला सबुठ बड़ आश्वस्ति 80 कोटी लोक भोक शोवाक दिजा बोली प्रधानमंत्री मोदी आरंभ करते एक प्रभावी कार्यक्रम देशर 42 कोटी लोक 69,000 कोटी टंकार आर्थिक सहायता दिगला से 16 कोटी थिले वृद्ध वृद्धा दिव्यांग और जनधन खाताधारी एथिरु 1083 कोटी टंका निर्माण श्रमिकों पाई थिला 14 कोटी अधिक मागणा एलपीजी सिलिंडर रिफिल प्रदान करा जाई थिला।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अनुयायी महामारी समय प्रवासर निज भिटामाटी को फेरी श्रमिक मानी निज गां निकट में भित्तिभूमि निर्माण दिगरे नियोजित करा जो ग्राम्य परिवेशर उन्नति होगा सहित जीविकार निश्चिंतता करा तबे लॉकडाउन समय जीविका प्रभावित होइथिबारो मोदी सरकार मुंड पिछा 5 केजी चाउल जहार की बजार मूल्य केजी 30 टंका प्रति दर रे गोटिए परिवार 5 जन सदस्यों पई मासक मोट 750 टंका चाउल देथिले सेबळी भाबरे परिवार पिछा 100 टंका बजार मूल्य थिबा डाली प्रति मास रे मागणा जुगाई दिया जाइथिला बार्धक्य विधवा व दिव्यांग मानक पई 1000 टंका कृषक सम्मान निधि बाबत को 2000 जनधन खाताधारी महिला को मासिक 500 टंका मागणा गैस सिलिंडर बाबत को 839 निर्माण श्रमिकों को सहायता बाबद 1500 टंका व गोटे गरीब कृषक श्रमिकों परिवार को कोरोना काल में मोदी सरकार मोट 6639 टंका ओडिशा समेत सारा देश पाई जहाँकि महामारी संकट समय मोदी एक कालजयी पदक्षेप विश्वर बहु बड़ बड़ विकसित देशगुड़िक महामारी प्रभाव में नाकेदम होता बेले मोदी त्वरित पदक्षेप जो एमएसएमई ठार आरंभ कर आत्मनिर्भर भारत आह्वान और कोईला खनन संस्कार ठार आरंभ कर सूक्ष्म व क्षुद्र उद्योग गुड़िकवेशर नुआ धारा आरंभ होता ए सब देखा मोदी जी महामारी परिचालन भारत को नुआ एक उच्चतार पहुंचाई स्वीकार करने को पड़ो ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।